हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब ये ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, तो देखो जब हम फर्स्ट वाला करते हैं ए, तो ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का टू ए, क्योंकि क्या है, ये जब ब्रैकेट ओपन करते तो कभी ऐसे नहीं करेंगे कि हमने क्या करा, खाली हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो सारे अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स जो है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, देखो इसका ये क्या लिटिल फैक्टर ए, इसका लिटिल फैक्टर क्या है, ये भी ए है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब हम सिंप्लीफाई पहले करेंगे, टू ए प्लस ए हो गया थ्री ए। ठीक है, माइनस का बी, ये अनलाइक फैक्टर है तो ये अलग रहेगा। क्लियर, दिस विल बी योर आंसर। चलो अब नेक्स्ट के लिए चलते हैं। यहां पर हमारे पास है फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एक्स प्लस का टू जेड। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फोर एक्स प्लस माइनस माइनस थ्री वाई माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, फिर देखो माइनस प्लस माइनस टू जेड कैसे करते हैं, देखो प्लस 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 हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है आपस में साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसमें लाइट टर्म्स कौन कौन से है, देखो इसमें ये एक्स का लिटिल फैक्टर है और यहां पे भी एक्स आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो हम लाइक टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे पहले, 4x ये वाला टर्म इसके साथ ले लो, यहाँ पे क्या है माइनस का 3y, कोई और नहीं है 3y, वो y का कोई और नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2z, x कॉमन ले लो, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 का x। ठीक है, माइनस का 3y माइनस का 2z। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो अब हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में क्या करना है। यहां पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का टू ए बी। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, कैसे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस का साइन है, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाते होते हैं और हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस का बी स्क्वेयर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे टू ए बी। क्लियर, अब देखो क्या करेंगे हम, लाइक टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे भी ए स्क्वेयर है, यहाँ पे भी ए स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं। देखो थ्री माइनस थ्री क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे सेम इधर होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों इक्वल है, दोनों जीरो आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बचा, नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ए बी हियर एंड टू ए बी हियर, दोनों में हमारे पास टू ए बी है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी को तो कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, यहां क्या बचा टू, इधर भी क्या बचा टू। ठीक है, तो दोनों के कोफिशियंट्स को जो है वो ऐड करेंगे, टू प्लस टू होता है फोर ए बी, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। यहां पे हमारे पास है माइनस थ्री ए प्लस बी प्लस फोर टू ए माइनस थ्री बी माइनस टू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक ब्रैकेट ओपन करते चले जाएंगे। अब देखो माइनस का थ्री ए इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस थ्री ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, माइनस थ्री ए इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री बी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये माइनस इधर गया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं, इन दोनों को करते हैं, प्लस का साइन आएगा, प्लस प्लस प्लस, टू फोर एट ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, थ्री फोर और ट्वेल्व बी। ठीक है, चलो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। माइनस है, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस टू ए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बी। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, ये लाइक टर्म्स को एक साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो माइनस का थ्री ए माइनस का टू ए, क्लियर, माइनस थ्री बी प्लस बी। अच्छा एक और भी है, माइनस का ट्वेल्व बी। अच्छा एट है इधर, तो यहां पे चलो ये एट है इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, एट माइनस थ्री फाइव, फाइव माइनस टू थ्री, तो ये हो जाएगा आपका थ्री ए। ठीक है, इधर आ जाओ, यहां पे क्या है, हियर वी हैव माइनस थ्री प्लस वन माइनस ट्वेल्व, ये सब बी के साथ है, बी के कोफिशियंट है, तो क्या करोगे, माइनस थ्री और माइनस ट्वेल्व दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का फिफ्टीन, उसमें ऐड करो प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर्टीन। ठीक है, तो ये आंसर विल बी थ्री ए माइनस फोर्टीन बी। ठीक है, क्लियर है, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, है ना। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव। देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या करेंगे हम, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक, हमने ब्रैकेट ओपन करा तो देखो बाहर कोई माइनस का साइन नहीं था, तो इसके साइन एज इट इज यही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां पे लेकिन नेगेटिव साइन है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस का फोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस साइन, अगर प्लस साइन होता है तो सारे साइन एज इट इज रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस किसी भी साइन के साथ जाता है, प्लस प्लस के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस से तुम्हारे साइन चेंज नहीं होंगे कभी। टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस फोर प्लस थ्री एक्स। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। देखो यहां पर ये है और ये है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस का फोर प्लस का टू, माइनस फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, टू, फोर माइनस टू टू होता है लेकिन साइन लगेगा, जो नंबर बड़ा है तो ये जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सेवन। ठीक, ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, राइट, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, ये देखो ऐसे करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट है उनको अंदर ले लो, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस का सेवन। ठीक है, तो ये थ्री माइनस टू हो जाएगा वन, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, तो ये आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। चलो अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ क्वेश्चन पे। देखो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस टू है। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये पूरा माइनस टू इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस टू वाई से करो तो ये पूरा बन जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई से करो तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं, यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इन दोनों को करो माइनस थ्री वाई स्क्वायर, इन दोनों को करो माइनस माइनस प्लस हो जाता है थ्री एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये माइनस टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर है माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक, और प्लस थ्री एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई, तो एक्स वाई के साथ क्या लिखोगे, थ्री माइनस टू ये हो जाएगा वन। ठीक है, तो आप लिख दीजिए प्लस वन एक्स वाई। हमने क्या करा, एक्स वाई ऐसे लिख दिया लिटरल फैक्टर, दोनों के कोफिशियंट को सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस टू प्लस थ्री हो जाता है वन। ठीक है, चलो अब देखो माइनस टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर।
माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव वाई स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, फाइव प्लस टू प्लस थ्री फाइव हो जाएगा बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, क्लियर। फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर ये जाएगा, दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन राइट, अच्छा सॉरी दिस वाज माइनस साइन, ये माइनस था ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा ठीक है, तो ये देखो माइनस थ्री प्लस टू वाई स्क्वायर के साथ हम जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू हो जाएगा वन, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव का, ठीक है क्लियर, साइन जरा आराम से लगाने पड़ेंगे, तो ये आंसर विल बी माइनस फाइव स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आप चाहो तो उसको वन को हटा भी सकते हैं यहां से, ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। चलो अब हम इसमें देखते हैं टेंथ क्वेश्चन में कैसे सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इतने सारे ना ब्रेस वो है ब्रैकेट्स है, तो हम क्या करेंगे 12x, पहले हम बिल्कुल अंदर वाले ब्रैकेट से चलिए लिखो 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, अभी हम सबसे बाहर का ब्रैकेट नहीं ओपन करेंगे, पहले हम अंदर से ब्रैकेट जो है यहां से खोलना शुरू करेंगे, तो देखो ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस प्लस 3x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 6x क्यूब माइनस 3x, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम ये वाला ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस, इसको देखो माइनस का साइन है बाहर, तो हम क्या करेंगे ये सारी चीजें जो है सबका साइन चेंज होता चला जाएगा, ठीक है ना, यहां पे देखो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x क्यूब, ठीक है, फिर ये बाहर है माइनस 3x राइट। चलो अब क्या करना है, देखो अब कैसे फर्दर सिंप्लीफाई होगा, ये हो जाएगा 12x, यहां नेगेटिव साइन है ठीक है, तो अगर हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसके अंदर की जो भी चीज है सब में नेगेटिव साइन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस 3x क्यूब, जब भी सॉल्व करो ना सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है उससे ओपन करना शुरू करना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 5x स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 7x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो x क्यूब वाले ले लो सारे, तो देखो x क्यूब में हमारे पास एक तो ये वाला x क्यूब है ठीक है और एक ये x क्यूब है, ठीक, देखो ये ना x क्यूब है ना, ये वाला जो है ये x क्यूब है, इतना छोटा लिखा है ना बुक में कि नजर ही नहीं आता है, चलो ये भी x क्यूब है ठीक है, यहाँ पे x क्यूब है, तो देखो x क्यूब के कौन कौन से मिल गए हमको, एक तो x क्यूब ये है ये है ये है, ठीक है, तो आप सबको एक साथ लिख लो माइनस 3 प्लस 1 प्लस 6 ठीक है x क्यूब, ठीक x क्यूब के जितने कोफिशिएंट्स थे मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, फिर क्या है आपके पास, ये है 12x है ना, तो आप x के लिख लो सारे 12x है, देन यू हैव 3x एंड 3x हियर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, आगे बढ़ो, फिर आपके पास है स्क्वायर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का क्या है, यहां पे यू हैव माइनस 5 फिर यू हैव 7 देन यू हैव फिर क्या है, बस यही दो है x स्क्वायर के, ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, यहाँ पे माइनस 4 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो चलो इसको भी देखते हैं क्या हो जाएगा, ये ऊपर का रब कर लेते हैं थोड़ा सा,
ये देखो 6 + 1 7, 7 - 3 हो जाएगा 4x³। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 12 + 3 = 15 + 3 = 18, ये हो जाएगा 18x। 7 - 5 = 2x² - 4। ठीक है, लेकिन इसका बेस्ट तरीका क्या होता है? देखो एक तरीका तो ये है, लेकिन इसका प्रेजेंटेबल फॉर्म ये होता है कि देखो x की जो वैल्यू होती है ना, उस ये जो x के ऊपर जो पावर होती है, इसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री, सॉरी, x की जो पावर है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है। तो कैसे लिखने का तरीका है, आप ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, फिर यहाँ पर x है तो x की वैल्यू लिखिए, फिर ये कॉन्स्टेंट टर्म लिखिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी जो पावर थी ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी। तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरीके से लिखा करो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम ब्रैकेट ना अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो yz - xz, अभी ऐसे ही छोड़ दो, इस ब्रैकेट को भी अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। ठीक है, xyz, अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ±-3y, −±+xz। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करो, ±-xy, −±+zy। ठीक है, अब क्या करोगे, अब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये सबसे बाहर का ब्रैकेट है तो ये अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, xy - yz - xz ±-yx - -+3y −±xz −-xy ±-zy। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो माइनस का साइन है ना, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का साइन देखते हैं कैसे साइन चेंज होगा, ±-yz −-+xz +xy ±-3y −-+xz −xy +zy। सारे ब्रैकेट ओपन हो गए, चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, xy की लिखते हैं, देखो xy। ठीक है, देखो वाई एक्स हो या एक्स वाई हो, एक ही चीज होती है। ठीक है, तो इससे तो ये वाला यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल है, यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा ये एक्स वाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देन यू हैव वाई जेड। ठीक है, वाई जेड देखो कहीं नजर आ रहा है, ये है वाई जेड, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई जेड और जेड वाई एक ही बात है, क्योंकि दोनों के लिटरल फैक्टर्स क्या है, वाई ही और जेड। ठीक है, क्लियर। अब तुम्हारे पास है जेड एक्स, अगेन वी हैव जेड एक्स हियर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, +2zx। ठीक है, देन यू हैव -3y, -3y। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलो देखो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करें, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसको जो है रिमूव करते हैं, ये वाला ब्रैकेट अंदर। ठीक है, इसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस आते हैं इनको रिमूव करा जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर, तो इससे स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट में हमेशा। ठीक, चलो क्या करोगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, 5x - 4y - 7x, इसको सॉल्व करो, ±-3z + 2y। ठीक है, अब ये आपके पास 4z, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करो, −3x + −3 = 9y −-+2 = 6z। ठीक है, चलो 5x - 4y, अब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे जो कर्ली है ब्रैकेट है। ठीक है, +-7x + 3z −2y, क्योंकि माइनस साइन है सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे, −4z +3x + 9y −6z। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो लास्ट ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, 5x + −4y + 7x - 3z
प्लस टू वाई प्लस फोर जेड माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन वाई प्लस सिक्स जेड। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा ओपन हो गया, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, एक्स के जो लाइक टर्म है, एक्स यहाँ फाइव एक्स है, यहाँ सेवन एक्स है, यहाँ पे थ्री एक्स है। ठीक है, तो देखो सेवन प्लस फाइव इज ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री इज नाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइन के साथ आ जाएगा सॉरी नाइन एक्स। ठीक है, अब देखो वाई के, देखो लाइक टर्म, देखो वाई वाले, यहाँ पे माइनस फोर वाई है, यहाँ पे टू वाई है, यहाँ पे नाइन वाई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे y और y के जितनी कोफिशियंट है सबको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे हमारे पास माइनस फोर है, यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ पे माइनस नाइन है, तो y की जितनी कोफिशियंट है सबको एक साथ हम निकाल लिया, तो लाइक टर्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, ये वाले लाइक टर्म लेते हैं z वाले, यहाँ पे वी हैव माइनस थ्री, फिर यहाँ पर हमारे पास फोर प्लस फोर, यहाँ पे हमारे पास प्लस सिक्स, जेड के टर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये तो नाइन एक्स आ गया था, फोर माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, माइनस टू माइनस नाइन माइनस इलेवन, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस इलेवन वाई। ठीक है, टेन माइनस थ्री सेवन प्लस सेवन जेड। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।